हेलो फ्रेंड्स, नाउ मैंने फ्रिक्शन टॉपिक पूरा समझा दिया था, उसकी थ्योरी पूरी पूरी करा दी थी और आई होप मैंने आपको सफिशिएंट टाइम दे दिया है। नाउ इट्स गुड टाइम टू डिस्कस योर डाउट्स। आपने जितने जितने प्रॉब्लम्स करे हैं हम उसके डाउट डिस्कस कर देते हैं। और मैंने सभी से बातचीत करी, आप सभी ने शायद HCV सॉल्व कर ली है और HCV के डाउट्स आप सभी ने मुझसे पूछे हैं। एनीवे इट्स अ गुड बुक। हम ठीक है, स्टडी पैकेज सेकेंड फेज में सॉल्व कर लेते हैं, पहले हम HCV के जो आपने डाउट्स पूछे हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। इट हैव गॉट गुड कलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स। इनफैक्ट इस बुक के यदि सारे प्रॉब्लम्स कर लिए जाए, खासकर एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स, तो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट, एक बहुत अच्छा लेवल डेवलप हो जाता है और आप IIT JEE को, IIT JEE मेन्स को भी, IIT JEE एडवांस को भी अच्छी तरह से फेस कर सकते हो यदि यह बुक पूरी पूरी सॉल्व कर लिए। एनीवे, अब जो आपने जो डाउट्स मुझसे पूछे हैं मैं उन्हें सॉल्व करता हूं। फ्रिक्शन टॉपिक पर HCV सबसे पहले डिस्कस करा देता हूं, इसके बाद मैं स्टडी पैकेज भी जरूर डिस्कस कराऊंगा। स्टडी पैकेज में न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन दोनों के कंबाइंड प्रॉब्लम है। HCV की खास बात यह है कि न्यूटन्स लॉ टॉपिक अलग है, फ्रिक्शन टॉपिक इन्हें अलग बना रखा है। और इसके एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स में से मुझसे डाउट्स पूछे गए हैं और कुछ तो बड़े बेसिक डाउट पूछे हैं। सेकेंड प्रॉब्लम, 11th प्रॉब्लम, 12th प्रॉब्लम, 15th, 18th, 21st, 23rd, 27th, 29th, 28th, 29th, 30, 31 लास्ट के तो लगभग सारे ही पूछ डाले आपने। एनीवे, मैं यह सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस कराऊंगा और जिस ऑर्डर में मैंने लिखे हैं इसी ऑर्डर में मैं डिस्कस कराऊंगा। मैं सबसे पहले सेकेंड प्रॉब्लम डिस्कस कराता हूं। ध्यान से इसी ऑर्डर में प्रॉब्लम्स को पढ़ते जाइए और उसके सॉल्यूशन देखते जाइए। स्टार्ट रीडिंग सेकेंड प्रॉब्लम फर्स्ट। स्टार्ट रीडिंग सेकेंड प्रॉब्लम। A block is projected along a rough horizontal road with a speed of 10 meters per second. This is a rough horizontal road, and on this a block is projected with the initial velocity V0 of 10 meters per second. With the coefficient of friction is 0.1, and coefficient of friction is 0.1. How far will it travel before coming to rest? यह ब्लॉक कितना दूरी तक ट्रेवल करेगा रेस्ट पर आने से पहले। नॉट अ सिंपल प्रॉब्लम। डेफिनेटली इस जगह पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है यह काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बिकॉज द ब्लॉक इज मूविंग। हम कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन is equal to mg downward direction में, normal reaction upward direction में, और frictional force opposite to motion act करेगा, opposite to velocity act करेगा, and that friction force is mu n or mu into mg. This is the frictional force acting there, and deceleration of this block would be frictional force upon mass or mu mg upon mass, that is mu into g. This is the deceleration of the block. Now they have asked how far will it travel before coming to rest. In order to solve this I will apply the third equation of motion, v square equal to u square plus 2as. Final velocity square is 0, initial velocity square is v naught square प्लस 2, एक्सीलरेशन की जगह मैं लिखूंगा माइनस म्यू जी, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड मुझको निकालना है। एंड हेंस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, द आंसर टू द प्रॉब्लम इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज
v naught square by 2 mu g, v naught square by 2 mu g. This is the distance traveled. You can solve it by substituting 10 meter per second whole square by 2 into, for mu I'll write 0.1 and for g 10 meter per second square. So this would give you the answer to the problem. Solve it, check it, and now let's start reading 11th problem. 11th problem is once again a simple problem. इसे एक बार पहले चेक कर लीजिए. I hope second square term cancel हो रहा है, meter term cancel हो रहा है, एक 10 से एक 10 term cancel हो रहा है, and you will get in fact ये इधर से cancel कर दूँ, 100 by 2 और it's 50 meters is the answer. Now I start reading 11th problem. Please. Now let's start reading 11th problem. इसके पहले जो हमने second problem solve करा है, इस second problem में एक बात जरूर समझें कि एक वह जो block था वह moving block था. और उस पर जो अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स था वह काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स था, और वहां पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था वह स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था. और इस तरह से हमने उस प्रॉब्लम में दिखाया कि किस तरह से फ्रिक्शन फोर्स एक मूव करते हुए ब्लॉक की वेलोसिटी को कम करती है और धीरे धीरे उसको रेस्ट पर ला देती है, और रेस्ट पर आने से पहले वह कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है. हम यह भी डिटरमाइन कर सकते थे कि वह कितने समय के लिए travel karega by applying the first equation of kinematics. Anyway, now let's move on to 11th problem. Consider the situation shown in the figure. Calculate the acceleration of the block. Pahle hum figure bana le, jo figure unne diya hua hai, is tarah ka ek figure diya hua hai. There is a table, aur is table par do block rakhe hue hai, aur yah dono block ek dhaage se, ek string se bandhe hue hai. In turn, यह string एक पुली पर पास होते हुए एक तीसरे ब्लॉक से कनेक्टेड है, और तीसरा ब्लॉक जो है वो हैंग कंडीशन में है. इसे 1 kg ब्लॉक कहा है. इसे मैं कैपिटल M इक्वल टू 1 kg, इसे भी कैपिटल M इक्वल टू 1 kg कह देता हूं, इसे स्मॉल M इक्वल टू 0.5 kg. और म्यू दिया हुआ है 0.2, हियर आल्सो म्यू 0.2. कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर. कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक. एक्सीलरेशन तो सभी ब्लॉक के सेम होंगे, और मैं इस प्रॉब्लम में एक्सीलरेशन इंडिकेट कर देता हूं. यह ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए से एक्सीलरेटेड होगा, यह ब्लॉक इस डायरेक्शन में ए से एक्सीलरेटेड होगा, और यह ब्लॉक इस डायरेक्शन में ए से एक्सीलरेटेड होगा. द टेंशन इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड इन द स्ट्रिंग कनेक्टिंग 1 kg ब्लॉक. इन दोनों ब्लॉक के बीच में टेंशन टी पूछा है, और इसमें कुछ टी नॉट है और इसमें कुछ टी है. द टेंशन इन द स्ट्रिंग अटैच टू, दोनों टी नॉट और टी पूछे हुए हैं. Now, we need to solve the situation, in fact. हम यहाँ कहें, देखिए, Newton's law का problem भी है, साथ में friction के concept को add करा हुआ है. हम तीन free body diagram बनाएंगे. पहला free body diagram इस block का, दूसरा free body diagram इस block का, और तीसरा free body diagram इस लटकते हुए block का. जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हम एक्सीलरेशंस को इंडिकेट करते हैं और इनको रिलेट कर देते हैं. यह सिस्टम पूरा इस तरह से एक्सीलरेट होएगा. यह हैंगिंग ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए से एक्सीलरेट होएगा, और हैंगिंग ब्लॉक का डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी एक्सीलरेशन है, सेम एक्सीलरेशन से यह दोनों ब्लॉक
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेट होंगे। हम सबसे पहले इनके एक्सीलरेशन को इंडिकेट कर देते हैं। अब हम एक्सटर्नल फोर्सेस को, कोऑर्डिनेट एक्सिस तो बड़ा ही आसान है इसमें, ये वर्टिकली डायरेक्शन में मूव करेगा तो वर्टिकल कोऑर्डिनेट ही हम लेंगे एक तो, और उसी डायरेक्शन में हम अब एक्सटर्नल फोर्सेस को इंडिकेट करते हैं। इस जगह पर एक्सटर्नल फोर्स स्मॉल mg और इस थ्रेड में टेंशन t नॉट। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ इसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg से खींचेगी और यह थ्रेड t नॉट टेंशन से इसे ऊपर की तरफ खींचेगा। इन टर्न यह ब्लॉक a एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट करेगा। अब इस ब्लॉक की बातचीत करें तो इसे यह थ्रेड t नॉट टेंशन से खींच रहा है, जबकि पीछे यह जो थ्रेड है यह t टेंशन से इसको डिसीलरेट कर रहा है। बिसाइड इट देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल mg एंड नॉर्मल रिएक्शन विच इज इक्वल टू कैपिटल mg, और एक फ्रिक्शनल फोर्स होएगा इधर म्यू एन। अब इस ब्लॉक के लिए, इस ब्लॉक को टी टेंशन से यह थ्रेड इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, खींचेगी और इसी की वजह से एक्सीलरेट हो रहा है। देयर वुड बी अ डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी, नॉर्मल रिएक्शन एन, और इस पर भी फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट द मोशन, अगेंस्ट द एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में म्यू इंटू एन लगेगा। हम इन दोनों ब्लॉक के लिए लिख सकते हैं n इज इक्वल टू एम जी, और इधर भी n इज इक्वल टू एम जी, दोनों मास आइडेंटिकल है। फ्रिक्शनल फोर्स इधर भी म्यू n इज इक्वल टू म्यू एम जी, और इधर भी फ्रिक्शनल फोर्स म्यू n इज इक्वल टू म्यू एम जी, यह चीज वहां पर हमेशा लगेगी। अब मैं इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन, तीनों ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखता हूं और फाइनली सॉल्व करके आंसर लिखूंगा। सबसे पहले इस ब्लॉक के लिए स्मॉल mg इज द एक्सीलरेटिंग फोर्स, डीसीलरेटिंग फोर्स इज t नॉट इज इक्वल टू m इंटू a। दिस इज द इक्वेशन रिटन फॉर दिस ब्लॉक। नाउ फॉर दिस ब्लॉक एक्सीलेटिंग फोर्स इज टी नॉट, अपोजिंग फोर्स इज टी माइनस म्यू इंटू कैपिटल एम जी इज इक्वल टू कैपिटल एम ए। दिस इज द इक्वेशन रिटन फॉर द फर्स्ट ब्लॉक कैप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल। फॉर दिस ब्लॉक टी नॉट माइनस टी, टी नॉट माइनस टी, टी नॉट माइनस टी माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए। नाउ फॉर दिस ब्लॉक टी माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए। दिस आर द थ्री रेलेवेंट इक्वेशन रिटन फॉर द थ्री ब्लॉक्स। तीन ब्लॉक के लिए तीन इक्वेशंस लिखी गई है। नाउ इन ऑर्डर टू सॉल्व देम आई सिंपली ऐड देम, इसे सॉल्व करने के लिए मैं सिंपली ऐड करता हूं, और यह टी कैंसिल हो जाएगा, टी नॉट कैंसिल हो जाएगा, और वहां पर जो बचा रह जाएगा एम जी माइनस टू म्यू एम जी इज इक्वल टू एम प्लस टू एम इंटू ए। दिस गिव्स मी द एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज एम माइनस टू म्यू एम इंटू जी अपॉन स्मॉल m प्लस 2m। दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम। यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर। दिस म्यू इज 0.2, 2 इंटू 0.2 दैट इज 0.4 इंटू 1 0.4, 0.5 माइनस 0.4 0.1,
So acceleration is equal to 0.5 minus 2 into 0.2 into 1 upon 0.5 plus 2 in whole into 10. So this is 0.5 minus 0.4, 0.1, 1, 1 upon 2.5, or acceleration. The answer to the problem is acceleration is 0.4 meter per second square. This is the acceleration of the system. Now, in order to get the tension, substitute this value of acceleration in this equation. T ki value nikalne ke liye acceleration ki value isme substitute kar dijiye, and you will get mg, m ki jagah par main rakhta hu 0.5 into 10 minus t naught is equal to 0.5 into 0.4. Solve it. T naught is equal to इसे सॉल्व करने से आपको t नॉट मिल जाएगा. जस्ट सॉल्व इट एंड इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ t सब्स्टिट्यूट एक्सीलरेशन वैल्यू इन दिस इक्वेशन. एक्सीलरेशन की वैल्यू जब इस इक्वेशन में रखेंगे t माइनस म्यू की जगह 0.2, m की जगह 1, g की जगह पर 10 इज इक्वल टू मास 1 इनटू एक्सीलरेशन की जगह पर व्हाटएवर एक्सीलरेशन वैल्यू इज. सॉल्व करके देख लीजिए 0.4 एंड यू विल गेट टेंशन बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन. सॉल्व इट, गेट द आंसर एंड नाउ स्टार्ट रीडिंग द 12th प्रॉब्लम. इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमने न्यूटन्स लॉ के कंसेप्ट को भी समझाया है और किस तरह से फ्रिक्शन, एक एडिशनल फ्रिक्शनल फोर्स लगने लगा, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो रहा है, इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो फ्रिक्शन इस ब्लॉक पर भी अपोजिंग, इस ब्लॉक पर भी अपोजिंग, जबकि इस ब्लॉक पर किसी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं, और किस तरह से इक्वेशन बना के सॉल्व करा है. बड़े ध्यान से देखिए और 12th प्रॉब्लम पढ़ना चालू कर दीजिए प्लीज़.